गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये है संडे का व्लॉग जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। संडे का आई नो कि मंडे को हर रोज आता, बट थोड़ा सा काम था इसलिए नहीं शेयर कर पाई, तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग में सिर्फ मैं नहा के आई हूँ, अभी मैंने नहा कर आई हूँ। जब नहा कर आई तो यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पूजा मॉर्निंग की ही पूजा है ये, और यहाँ पर मिट्टी भी गोदी में आ रही थी, कह रही थी मुझे भी करना है। मिट्टी को भी मैंने नहला दिया था क्योंकि मैं साथ में उसको जब लिखाई थी तो मेरे साथ में वो भी बोल रही थी मुझे भी चलना है, तो उसको पहले नहला के भेज दिया था मैंने, इसीलिए पहले रेडी कर दिया, फिर इसको मैं चली गई नहाने के लिए। तो ये भी दो नहा धो चुकी है और पूजा यहाँ पर कर रही हूँ। तो मिट्टी भी, क्योंकि मैं साथ में पूजा करती हूँ ना, मुझे पता रहता है कि मुझे जब पूजा करनी होगी तो फिर मेरे साथ में भी खड़ी होती है, और डैडा जब पूजा करते हैं उनके साथ में भी खड़ी होती है, तो इसलिए उसको पहले ही नहला धुला कर रेडी कर देती हूँ ताकि ये पूजा करने के टाइम पर दोनों के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर ये कर रही हूँ सुबह की आरती, और अभी इनको भी करना है, ये तो बाद में करेंगे नहाने धोने के बाद में। सो ये फिर शाम को डायरेक्ट मिली हूँ मैं आप लोगों को। जब 7 बज रहा था, हम लोग जा रहे थे बाहर ऐसे ही घूमने, मिट्टी ने कहा कि डैडा चलो घूमने चलना है मुझे, तो डैडा ने पूछे कहाँ चलना है, तो कहती है पार्क। तो इन्होंने कहा चलो पार्क चलते हैं। मैंने इनसे बोला पिता अगर कहीं आपकी इस बार अगर कहीं चलेंगे पार्क चलना तो यहाँ पर चलना, जो हम लोग एक बार यहाँ पर होकर आ चुके हैं, अच्छा पार्क है और बहुत अच्छा पार्क है। तो अभी तो हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उसके बिल्कुल डिफरेंट हुआ है वहाँ जाकर, क्योंकि हम लोग जैसा सोच कर गए थे वैसा तो वहाँ हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले हम लोग इससे पहले गए थे तो वहाँ पर कुछ अलग था और अभी कुछ अलग हो गया है। बहुत ही अलग सा लग रहा था देखने में, क्योंकि जब लास्ट टाइम गए थे तो पार्क था और इस बार गए थे तो रेस्टोरेंट टाइप का बन गया, तो अच्छा लग रहा था इस बार भी, और जब लास्ट टाइम गए थे तब भी बहुत अच्छा लग रहा था, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। सो इस बार बट जब कहते हैं तो बहुत ही अच्छा, इस बार ये है कि झूले वगैरह नहीं थे। लास्ट टाइम जब कहते मिट्टी लोगों के लिए झूले वगैरह थे, इन लोगों ने बहुत, उस टाइम मिट्टी बहुत छोटी थी, शायद 5 या 6 महीने की थी, तो तब कहते तब झूला झूलने वाली नहीं थी, तब हम लोगों ने झूले थे। इस बार अब झूले वगैरह वहाँ नहीं लगे थे कि इस बार तो चेंज हो गया है, बट हाँ इस बार ये है कि वहाँ का जो व्यू है वो सच में बहुत अच्छा था। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, पीछे छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अब आए हो तो पूरी वीडियो को इन तक देख कर जाना आप लोग, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, देन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाला सारी वीडियो को मिस ना कर पाओ, तुरंत वॉच कर पाओ। तो चलिए थोड़ा म्यूज़िक लगा देती हूँ, म्यूज़िक इन्जॉय कर लीजिए आप लोग भी।
सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ये म्यूजिकल फाउंटेन पार्क। एक बार मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर अपने उस वाले चैनल पे, जो मेरा एक और चैनल था इससे पहले वाला, वहाँ पर मैंने शेयर किया था। इस वाले पे मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है यहाँ के पार्क की वीडियो। तो इस बार आई हूँ मैं म्यूजिकल फाउंटेन पार्क, तो यहाँ पर मैं शेयर करूँगी आप लोगों को, दिखाऊँ कुछ इस तरह का बना हुआ है, बहुत सुंदर है। पहले यहाँ से शायद टिकट लेते हैं, टिकट एंट्री कुछ। तो बहुत अच्छा बना हुआ है, इससे पहले हम लोग आए थे तो बहुत अच्छा लगा था, मिट्टी बहुत छोटी थी जब हम लोग आए थे, बट इस बार तो बहुत, ये देखो मतलब इस मिट्टी बहुत बड़ी है, मतलब ये देखो पार्क कितना सुंदर, वाह। सो गाइस यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, म्यूज़िक लगानी पड़ रही है, क्योंकि फिर म्यूज़िक के लिए कॉपीराइट आ जाएगा। ये सबसे बड़ा इशू है यार यूट्यूब का, कि जो कॉपीराइट आ जाता है तो अपने जो करना चाहते हैं आप लोगों के साथ में शेयर, तो वो नहीं कर सकते हैं हम लोग, बस कुछ कंडीशंस होती हैं एंड YouTube की टर्म एंड कंडीशन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो बोल रही थी वैसे भी आपको कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा जो भी मैं बोल रही हूँ, बट ये जो व्यू था वो बहुत अच्छा था, और सच बता रही हूँ, अगर कोई वहाँ पर सामने होता, ये तो मैं वीडियो दिखा रही हूँ आप लोगों को, सामने होता तो सामने होने में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो संडे का व्लॉग था, मैं शेयर अभी कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, आज कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि कुछ कुछ काम हो जाते हैं कभी कभी। तो कैसी लगी है आप लोगों को वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ओके। तो छोटा सा व्लॉग है, वैसे भी कभी कभी शेयर कर पाती हूँ, डेली शेयर करने की ट्राई करती हूँ बट हो नहीं पाता है कभी कभी। तो चलिए छोटा सा वीडियो है, देखकर बताइए आप लोगों का मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा है। और ये जो है कानपुर के मोती झील में बना हुआ है, मोती झील में द फाउंटेन पार्क करके है, तो ये वही है फाउंटेन पार्क बोलते हैं यहाँ का, तो बहुत अच्छा है, मोती झील के पास में ही है बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी न्यू बना हुआ है तो हम लोग खुद ही सोच रहे थे कि ऐसा कैसा होगा, जब फर्स्ट टाइम आए तो देखा हम लोगों ने बहुत बिल्कुल ही चेंज हो चुका था, जैसा हम लोग आए थे पहली बार तो उससे भी ज़्यादा बिल्कुल चेंज हो चुका था, पहले पार्क था अभी इस तरह से इस तरह का हो गया है। तो सच में बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा कर दिया है, अब तो बहुत अच्छा बन गया है यहाँ पर। जो जो कानपुर के हैं तो वो यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करिए, बहुत मस्त बना हुआ है। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की साइड, देखो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खा रहा है देखो। सो हाँ जो भी हैं कानपुर के वो शाम के टाइम आइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दोपहर में जो है कि बस रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो और जा सकते हो घर, फिर उसके बाद में ये सब जो यहाँ की लाइटिंग वगैरह है वो तो आप सभी लोग जानते हो यार, बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि लाइटिंग वगैरह जितनी भी होती है नाइट में ही मज़ा आती है देखने में, नाइट में ही सारा व्यू मज़ा आता है। तो यहाँ पे वही है, शाम के टाइम हम लोग सडनली पहुँच गए थे, कोई प्लान नहीं था, तो जैसे पहुँचे हैं तो वैसे हम लोगों को देखने को भी मिला है कि हाँ मूड कहीं से कहीं और चला गया, क्या मतलब नॉर्मल पार्क घूमने का था और इतना अच्छा मूड बन गया वहाँ जाकर, सच में बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग बाहर धीरे धीरे, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर कि देखते हैं कुछ खाने के लिए, पता है यहाँ पे स्नैक्स टाइप का वही सब कुछ है। बेटे इसमें जाओगे बेटा, जाओ हैं जाओ, जाओ।
सो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बाहर। और पता है यहाँ पर मिट्टी को मैंने जंपिंग वाले में ले जाने के लिए बोला, बट ये जंपिंग वाले में जा ही नहीं रही है, कर ही नहीं रही है, इतना डरती है ये कुछ कहने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर और खाने के लिए। पता है पूरी सीट फुल है और वैसे ही बंद होने वाला है ये जिस सीट में मुझे बैठना था, क्योंकि देखो यहाँ से काउंटर लगा हुआ था। नहीं लेकर आओगे रेवड़न तो डडा आ रहा है अभी तो बाबू जाने डडा आ रहे हैं, आप नहीं जाना, आप नहीं जाना, आने दिए मंकी पकड़ लेगा, डॉगी है बड़ा सा। ये देखो रात में 9:30 बजे का व्यू, ये लश है जो बंद होने वाला है यहाँ पे खाने के लिए। हम लोगों ने सोचा था चलो कुछ खा लेते, कि खाना तो पीना तो है ही है, कुछ ना कुछ तो खाना ही है, बट खाए तो क्या खाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि खाने के लिए जो है वहाँ पे बाबू पैर में लग रही है, पैर में लग रही है। कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का था, डिनर करने का मन था, बट डिनर के लिए यहाँ पे ना वो जो मुझे जो वो एक सीट थी वो वाली सीट नहीं मिल रही है मुझे, और वैसे भी बंद होने पर आ गए, तो मैंने कहा चलो देखते हैं घर चल, मतलब रास्ते में कहीं और खाते हैं। क्योंकि अभी देखो मिट्टी बैठने जा रही है डैडा की बाइक में, ये देखो जंप करके दिखाओ। मिट्टी यहाँ जंप करने के लिए यहाँ पे नहीं बोल रही है, वहाँ कहती थी करना करना, अब यहाँ लेकर आके यहाँ पे नहीं कर रही है। ये है मोती झील के यहाँ का, ये देखो पूरा है मोती झील का बाहर का व्यू। शेष कहाँ जाना है, चना से क्या बोलते हैं, चना जोर गरम कर, चना जोर गरम नहीं, चना मसाला बोलते हैं आई थिंक। मिट्टी जिद कर रही है आइसक्रीम के लिए, आइसक्रीम के लिए जो इतना भयंकर है मान नहीं रही है। ये देखो गजा बहुत भीड़ है यार, बड़ी मुश्किल में यहाँ जाके हम लोगों को सीट मिल गई है, क्योंकि अभी तक इतनी देर से हम लोग खड़े हैं बाहर, यहाँ बहुत भीड़ है यार। बहुत भीड़ लगती है और बहुत गजब की भीड़ लगती है, क्या मतलब बड़ी मुश्किल से सीट जाके मिली है हम लोगों को, बैठने को नहीं मिला, मतलब चेयर ही नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे। जो गुमती में ज्ञान दर्शन है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत पुराना है, और यहाँ का खाना जो जैसा होता है एकदम घर जैसा रहता है। करके आओ क्या पता अपने लिए वेटर नहीं देते हैं तुम्हें यहाँ पे, वेटर नहीं छुए थे क्या, अरे क्या गंदा कर दिया बेटा फोन आपने, पहले हैंड वॉश करके आओ, पहले जाओ जा रहे हैं हैंड वॉश करने के लिए। सच बता रही हूँ बहुत भीड़ लगती है, गजब की तो सीट तो मिल गई है, हम लोग बैठे हैं और यहाँ से देखती हूँ मम्मी लोग खा रही है, क्योंकि मैंने बुलाया है वो लोग भी कहीं गई थी घूमने, तो मैंने कहा खा लो खाना यहीं से खा लेते हैं, क्योंकि मम्मी लोग यहीं खा लेंगे हम लोग भी यहीं खा लेंगे। सीट बड़ी मुश्किल मिली, पीछे भीड़ थे बहुत फुल है, भी सीट यहाँ खाली नहीं है, एक भी सीट नहीं खाली हुई, सारी जगह की भरी हुई। फाइनली सीट मिली है, खाना खा लेते हैं, क्योंकि घर में भी टाइम हो रहा है 9:15 हो रहा है। देखो आ रहे हैं मिट्टी मिट्टी के डेटा, मिट्टी मिट्टी आ रही है। तो यहाँ पर मम्मी लोग आ गई हैं, सभी लोग आ गए थे, भाई पापा सब लोग आ गए थे, और मैंने क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और जल्दी जल्दी करना, तो इसलिए मैंने क्लिप नहीं ली, फ़ोटो लिए वो ऐड कर दी। बजरा है 12 और कर रही हूँ यहाँ पे दूध खूब गर्म, ब्लॉग को मैं यही सेंड करती हूँ। खाने वाला मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि टाइम हो गया था, तो भीड़ बहुत थी वहाँ पर, सब लोग सोच रहे थे जल्दी से उठे और मैं खाऊँ, मैं बैठूँ वहाँ पर फाइट हो जा रही थी खाने के लिए। तो चलो ब्लॉग को मैं यही सेंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज संडे का ब्लॉग इतना ही बड़ा था मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं किया मैंने। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून।